24 घंटे सातों दिन हम रहते हैं खबर पर, क्योंकि हर खबर से करना है आपको खबरदार। अब शहर की किसी हलचल से चूक न जाए, इसलिए तत्पर रहता है खंडवा हलचल। नमस्कार, स्वागत है आपका खंडवा हलचल में। मैं आपके साथ मानसी गोस्वामी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। अनाज माफिया असलम चौहान पर रासुका लगी है, बावजूद इसके थाने के अंदर राजा की तरह कुर्सी पर बैठा नजर आया। कुर्सी पर मस्त बैठा असलम चौहान अनाज माफिया, और तो और बिना हथकड़ी के घूमते नजर आया यह अनाज माफिया। यह तस्वीर है सिटी कोतवाली थाने की, जहां अपराधी बिना किसी हिचक के पुलिस वालों के कंधे से कंधा मिलाकर चलता फिरता नजर आता है, जबकि अनाज माफिया पर रासुका लगी है। सरकारी अनाज की हेरा फेरी करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस तरह से अपराधी थाने के अंदर बैकऑफ घूमते नजर आ रहा है, उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि शहर में इस तरह के माफियाओं को कानून का कितना डर है। बिना किसी हथकड़ी के पुलिस वालों के साथ गाड़ी पर बैठकर जाने वाला अनाज माफिया कानून को ठेंगा दिखाते हुए नजर आता है, लेकिन जिस तरह से कानूनी ऐसे अपराधियों की खातिरदारी करेगा, तो फिर ऐसे अपराधियों के मन में कानून के प्रति खौफ कैसे पैदा होगा। फिलहाल इस तरह की कार्य प्रणाली से पुलिस व्यवस्था पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां बिना हथकड़ी का यह अपराधी अगर मौके से फरार हो जाता तो फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? क्या इस तरह के अपराधियों पर इस तरह की रियायत सही है या फिर गलत, ये सोचने वाली बात है। जी, जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेशानुसार हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलमोहर कॉलोनी निवासी मोहम्मद असलम के विरुद्ध जो आदेश मिला था, चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3(1) के तहत निरुद्ध किए जाने के संबंध में, जिसके पालन में अनावेदक को हमारे द्वारा अभिरक्षा में लिया गया है, और जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेशानुसार जिला जेल खंडवा में अनावेदक को निरुद्ध किया जाएगा। जी, इस एक्ट के अंतर्गत जो भी अनावेदक होते हैं उनके ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम और कालाबाजारी, खाद्यान्न के कालाबाजारी के जो प्रकरण होते हैं, उन पूर्व रिकॉर्डों को देखते हुए ये कार्रवाई जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश से की जाती है। फिर जिस पर कार्रवाई की गई है, क्या है वो, कौन है, क्या नाम है और कितने मामले दर्ज हुए हैं? जी, गुलमोहर कॉलोनी निवासी मोहम्मद असलम है, जिनके विरुद्ध कुल 7 अपराध पूर्व में पंजीबद्ध है, जिसमें 3 मारपीट वगैरह के और बाकी 4 प्रकरण 420, 467, 68, 3/7 ईसी एक्ट और इस प्रकार के अपराध पंजीबद्ध है। हाल ही में थाना जावर में जो 3/7 ईसी एक्ट और 420 के प्रकरण भी अनावेदक के विरुद्ध पंजीबद्ध हुआ था। अंजनी डॉक की स्थित गाड़ियों में आग लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गुरुवार सुबह 3:30 अंजनी टॉकीज के पास पद्मनगर थाना क्षेत्र में फरियादी अर्जुन पिता सुरेश खींची के घर के बाहर मोटरसाइकिलों की आगजनी हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर आगजनी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी चंदू पिता दगड़ू तिरोले जाति कुंभी पटेल उम्र 34 वर्ष ने पाकिस्तान गोडाउन के पास इंदिरा कंपाउंड के सामने खड़ी मोटरसाइकिल का एक होंडा साई, एक टीवीएस जुपिटर एवं 2 लूना को आग के हवाले कर दिया। वही आरोपी चंदू को प्रकरण में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा रहा है। चंदू ने बताया, साडू भाई के लड़के चेतन के साथ फरियादी अर्जुन के भांजे शुभम की गाली गुप्ता हो गई। शुभम ने चंदू को भी गालियां दी थी। इसी बात को लेकर बदले की भावना से फरियादी की मोटरसाइकिलों को लकड़ी के पॉलिश करने वाले उपयोग में आने वाले सिलर लिक्विड डालकर माचिस से आग के हवाले कर दी। मुंदी में फर्जी पत्रकार बनकर अवैध वसूली करने वाले पत्रकारों को न्यायालय ने जेल में भेजा। फर्जी पत्रकार बनकर अवैध वसूली करने वाले आरोपियों को न्यायालय द्वारा आज जेल भेजा गया। फरियादी रामबाबू यादव निवासी मुंदी द्वारा पुलिस चौकी भीड़ पर
आवेदन के माध्यम से बताया कि आरोपी कृष्णा गुप्ता तथा अकील खान दोनों निवासी बीड़ द्वारा अपने आप को पत्रकार बताकर फरियादी से मोबाइल पर कारोबार अच्छा चलने व पैसा अधिक कमाने का बोलकर आरोपी गण द्वारा 5,000 रुपए प्रतिमाह पैसे की डिमांड की गई थी। कहा कि मैं पत्रकार हूं, यदि पैसा न दिया गया तो बदनाम कर दूंगा, इस तरह की धमकियां देकर रुपए मांगे गए। वहीं आपको बता दें कि आरोपी कृष्णा गुप्ता ने फेसबुक आईडी पर फोटो डालकर फरियादी को मजदूरों का लुटेरा, शोषणकारी, फ्रॉड, बेईमान जैसे शब्दों का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रताड़ित करना बताया। वहीं उक्त पोस्ट से फरियादी को मान सम्मान में ठेस पहुंची और फरियादी द्वारा आरोपी गण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं आरोपियों को न्यायालय पुनासा के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपियों की जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा गया। खंडवा में बजरंग चौक पर गुरुवार रात को बच्चों के झगड़े ने बड़े विवाद का रूप ले लिया। झगड़ा बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। देर रात खंडवा में हुए पत्थरबाजी को लेकर पुलिस ने मामला सुलझाने का दावा किया। बता दें कि खंडवा रात में बजरंग चौक में हुई पत्थरबाजी, जिसमें बच्चों के आपसी झगड़े की वजह से विवाद हुआ था, वहीं विवाद को कोतवाली थाने में सुलझा लिया गया। बता दें कि कोतवाली TI बलजीत सिंह बिसेन ने समझाइश दी, जहां रात में सभी को रवाना कर दिया। बलजीत सिंह बिसेन का कहना था कि छोटे झगड़े को बेवजह बड़ा किया जाता है, जिसकी वजह से शहर का माहौल खराब होता है। इस झगड़े की भी कोई वजह नहीं थी, लेकिन हमारी समझाइश के बाद सभी की आपसी सहमति से विवाद सुलझा लिया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग के दीनदयाल नगर व संजय नगर में गंदा पानी पीने को रहवासी मजबूर हो रहे हैं। रहवासियों द्वारा समाधान की मांग की जा रही है। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में संजय नगर और दीनदयाल नगर में पेयजल सप्लाई के लिए जो दो नलकूप है, उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके चलते अब रहवासियों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। दीनदयाल नगर के रहवासियों ने बताया कि क्षेत्र के कुएं में गंदा पानी आ रहा है, जिसे हम तो क्या मवेशी भी नहीं पी सकते। रहवासियों ने जिम्मेदारों से पेयजल समस्या का समाधान कराने की मांग की। जो दो दो ट्यूबवेल थे वो दोनों सूख गए हैं, तो इसके हिसाब से पानी की समस्या बढ़ गई है। अभी जो कुएं में पानी है तो पानी इतना दूषित है कि ना पीने के काम में आ रहा है, ना जानवरों को पिला। शहर में विकास हेतु शुक्रवार को शहर की सड़कों पर घूमते नजर आए विधायक देवेंद्र वर्मा। शहर में विकास किस तरह से किया जा रहा है एवं शहर में किस तरह से और विकास किया जा सकता है, इन तमाम बारीकियों को जानने के लिए खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा आज शहर की सड़कों पर घूमते नजर आए। विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि हमने उन तमाम सड़कों का निरीक्षण किया जो सड़क निर्माण काम चल रहा है, साथ ही शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। आनंद नगर रोड इंदौर की तर्ज पर स्मार्ट बनाए जाएंगे। और जिलाधीश महोदय के साथ उन सभी कार्यों का निरीक्षण था। कितने इसमें विशेष रूप से रोड कितने हैं? और इसमें आज हमने जो प्रमुख सड़क है, हम खंडवा से कालमुखी के अंतर्गत खंडवा से नागचूल सड़क, जिसको हमने अतिरिक्त स्वीकृति कराकर 4 लेन कराया, उसका निरीक्षण करा। इसके साथ साथ मेडिकल कॉलेज के सामने की सड़क जो निर्माणाधीन है उसका निरीक्षण करा। इसी प्रकार एक दादाजी के दरबार के लिए एक अतिरिक्त हम सड़क बना रहे हैं, जिससे कि वो बायपास का काम भी करेंगे, उस सड़क का निरीक्षण करा। इमलीपुरा क्षेत्र में एक बायपास के रूप में सड़क निर्माणाधीन है, उसका निरीक्षण करा। अर्थात ऐसी सड़कें जिससे ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और शहर में जनता को आसानी होगी, उन सड़कों का हमने निरीक्षण करा। और साथ ही साथ शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को हल करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर में जिन लोगों को भेजना है, ऐसे लोगों को हमने सभी लोगों ने ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करा है, जिससे कि शहर का आने वाले समय में विकास और तेजी से हो। और साथ ही शुक्रवार को विश्व बंजारा दिवस के उपलक्ष्य में बंजारा युवा संघ द्वारा जिले के सभी ब्लॉक एवं गांव में बड़े धूमधाम से विश्व बंजारा दिवस मनाया गया। विश्व बंजारा दिवस के उपलक्ष्य में बंजारा युवा संघ द्वारा जिले की सभी ब्लॉक एवं गांव में बड़े धूमधाम से विश्व बंजारा दिवस मनाया गया। इसी कार्यक्रम में बंजारा युवा संघ खंडवा ब्लॉक में जिला शासकीय अस्पताल के सभी वार्डों में मरीजों को फल एवं बिस्किट प्रदान किए गए। नितेश राठौर द्वारा ब्लड डोनेट भी किया गया। इस अवसर पर बंजारा युवा संघ के जिला महामंत्री महेश नायक, अर्जुन नायक, जिला कोषाध्यक्ष दीपू नायक सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। वहीं समाज के आदि लोग भी उपस्थित थे, जिसमें बंजारा युवा संघ द्वारा जिला अस्पताल में फलों का कार्यक्रम संपन्न हुआ। मुस्लिम समाज के द्वारा शुक्रवार को सिटी कोतवाली थाना में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया।
मुस्लिम समाज के द्वारा सिटी कोतवाली में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। मुस्लिम समाज का कहना था कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पिंकी लाड नामक अकाउंट से नवी व उनकी धर्म पत्नी व रमजान जैसे पवित्र माह जिसे इस्लाम में महत्व दिया जाता है, इसके विपरीत रमजान माह के बारे में अनर्गल एवं झूठी जानकारी अपने अकाउंट से फेसबुक पर पोस्ट की गई, जो कि गलत है एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली है। इस पोस्ट में अल्लाह किसान के हमारे नबी के निकाह के बारे में गलत एवं भड़काऊ आपत्तिजनक बातें लिखी गई, जो कि गलत है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने संज्ञान में लेते हुए आरोपी के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है। जी, कल रात्रि मुस्लिम समुदाय के व्यक्तियों द्वारा थाना कोतवाली पर आकर एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक फेसबुक यूज़र पिंकी लाड नाम से फेसबुक यूज़र हैं, जिनके द्वारा मुस्लिम समुदाय से संबंधित रमजान के संबंध में कुछ बातें ऐसी लिखी गई है जो कि उनको आहत हुई। उस संबंध में उनके द्वारा लिखित दिए आवेदन पर से थाना कोतवाली पर संबंधित धाराओं में 295 AIPC में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पंधाना नगर में गुरुवार को दुकानदारों को नवीनीकरण और किराया राशि जमा करने के लिए नगर परिषद ने कराया अनाउंसमेंट। पंधाना नगर में गुरुवार को नगर परिषद द्वारा बाजार में वाहन घुमाकर नगर परिषद की किराए पर दी गई दुकानों के नवीनीकरण और बकाया किराया राशि जमा करने को लेकर अनाउंसमेंट कर निर्देश दिए गए। इस दौरान नगर परिषद ने अनाउंसमेंट में दुकानदारों को निर्देश देते हुए कहा कि दुकान आवंटित करने के बाद से दुकानदारों को कई नोटिस देकर सूचना दी गई है। नगर परिषद ने अनाउंसमेंट के माध्यम से दुकानदारों से कहा कि अगर वो लोग नवीनीकरण और किराए की राशि जमा नहीं करेंगे तो दुकान बंद करने की कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में माहेश्वरी समाज के प्रख्यात हुआ समाज सेवी एवं बिल्डर संजय बियानी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने की घटना से लोगों ने आक्रोश जताया। माहेश्वरी समाज खंडवा में महाराष्ट्र के नांदेड़ में माहेश्वरी समाज के प्रख्यात युवा समाज सेवी एवं बिल्डर संजय बियानी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर देने की घटना से दुख एवं आक्रोश व्यक्त किया। माहेश्वरी समाज खंडवा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में संयुक्त कलेक्टर अनिल कुमार जादम को सौंपा। घटना की CBI जांच की मांग की गई, साथ ही दोषियों को फांसी दिलाने की मांग की गई। वहीं जिस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसकी जानकारी देते हुए माहेश्वरी पंचायत अध्यक्ष नारायण भायती ने बताया कि हत्या का शिकार हुए समाज सेवी संजय बियानी स्कूल कॉलेज अस्पताल धर्मशाला के साथ ही गत दिनों निर्धन जनों को आवास बना कर दिए। समाज के लोगों ने मांग की है कि हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और न्यायालय के माध्यम से फांसी की सजा दिलाई जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरगांव बुजुर्ग PHC पर गुरुवार को आयुष क्योर ऐप की जानकारी को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बोरगांव बुजुर्ग पर गुरुवार को आयुष क्योर ऐप लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीण मेडिकल संचालक व चिकित्सकों को आयुष चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनीष द्विवेदी ने आयुष क्योर ऐप की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही ऐप के प्रचार प्रसार के साथ आयुष टेली मेडिसिन का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, इसकी जानकारी भी दी। आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जिला आयुष अधिकारी अनिल वर्मा के तत्वाधान में आयुष क्योर ऐप के बारे में ग्रामीण नागरिकों को, चिकित्सकों को एवं मेडिकल स्टाफ को विस्तृत रूप में चर्चा की गई और उन्हें इसे डाउनलोड करने का तरीका और एवं इसके प्रचार प्रसार हेतु जानकारी दी गई एवं टेली मेडिसिन आयुष टेली मेडिसिन का इस्तेमाल कैसे किया जाए इसके बारे में उन्हें समझा गया। खंडवा के रविन्द्र नगर स्थित मनगामेश्वर महादेव मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। कथा के 6वें दिन राम विवाह का आयोजन किया गया। खंडवा के रविन्द्र नगर स्थित मनगामेश्वर महादेव मंदिर में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। कथा के 6वें दिन श्री राम विवाह आयोजन किया गया। वही राम विवाह को देखने कई श्रद्धालु मंदिर पहुंचे। भगवान श्री राम का जन्म समस्त भारत वर्ष में राम राज्य स्थापित करने के लिए हुआ है। राम विवाह बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में कोटवार ने गली मोहल्ले में घूमकर किराएदारों की सूचना देने को लेकर मुनादी की।
ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में कोटवार के माध्यम से गली मोहल्लों में बोरगांव पुलिस ने मुनादी कराते हुए सभी ग्रामीणों को सूचना दी कि जानकारी और आवश्यक दस्तावेज पुलिस चौकी में बताएं। चौकी प्रभारी रमेश गवले ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से आदेश मिला है कि कानूनन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी बाहर से आए किरादार हैं उनकी जानकारी पुलिस के पास होना जरूरी है और इसी को लेकर हमारे द्वारा गाँव में कोटवार के माध्यम से मुनादी कराई गई। आज के अंक में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। 24 घंटे सातों दिन हम रहते हैं खबर पर, क्योंकि हर खबर से करना है आपको खबरदार। अब शहर की किसी हलचल से चूक न जाए, इसलिए तत्पर रहता है खंडवा हलचल।